अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम कुछ बात करेंगे मछली की एक किस्म जिसको हम तिलापिया कहते हैं। तिलापिया को आम तौर पे हमारे देसी जो नाम है उसको हम चिड़ा फिश के नाम से भी लोग जानते हैं। फिर वाइल्ड तिलापिया जो जंगली तिलापिया है वो हमारे पानियों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो लोग इसको पसंद भी करते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस लेटली हुई है, 2007-8 में यहाँ पाकिस्तान में आई और इसको फॉर्म भी किया गया, लेकिन अभी तक इसकी जो टेस्ट है अब लोगों के अंदर डेवलप हो रहा है और इसके फ़वाद लोगों तक पहुँच रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि ये मछली कैसी है, खाने वाली है कि नहीं। फिर ये है कि क्यों सबसे ज़्यादा फार्म्स के अंदर डाली जाती है और इसकी फार्मिंग क्यों ज़्यादा है। ये साइज़ और शक्ल के हवाले से खूबसूरत मछली है, तो आज हम इसके फ़वाद के ऊपर बात करेंगे कि ये किस किस हवाले से हमें फ़वाद दे सकती है। तो इसको अगर हम देखें तो ये तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड करके ये देख सकते हैं कि ये तीन किस्म के जो लोग हैं उनको ये फ़ायदा देती है। सबसे पहले फार्मर को, फिर रिटेलर को, और फिर आम आदमी जो इसको इस्तेमाल करता है, यूज़र को फ़ायदा देती है। तो उसके अंदर फार्मर के हवाले से जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये थोड़ी जगह पे आप ज़्यादा मछली पाल सकते हैं, जैसे एक एकड़ पे आप 7,000 तक मछली ये पाल सकते हैं, और थोड़े अरसे के अंदर ये ज़्यादा ग्रोथ देती है आपको। मतलब कि ये 4 से 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर आपको 700-800 ग्राम तक देती है, जो कि इसका मार्केट रेट है। मार्केट के अंदर ये 700-800 ग्राम की जो मछली है अच्छा रेट आपको देती है। तो ये तो हो गई फार्मर की हद तक। फिर फार्मर को ये भी फ़ायदा है कि ये इसको आप रहू के साथ पोली कल्चर भी कर सकते हैं, अकेले भी पाल सकते हैं और उसके साथ पोली कल्चर भी कर सकते हैं, तो वो आपको थोड़े वक्त में ये ज़्यादा मुनाफा देती है। अगर आगे हम देखें रिटेलर को, सेल करने वाले को देखें, तो वहाँ पर ये पोजिशन है कि ये छोटी होने की वजह से, कांटा कम होने की वजह से जो बायर है, जो ख़रीदने वाला है, उसकी पहुँच में होती है और इसकी सेल अच्छी सेल होती है। अब जो इसका आम लोगों को, जो यूज़र हैं उनको जो इसका बहुत फ़ायदा है तिलापिया के इस्तेमाल का, उसके फ़वाद तो बेताशा हैं जो गिने जा सकते हैं। उसमें से कुछ बुनियादी चीज़ें, जैसे अगर हम खाने के हवाले से इसकी बात करें, तो इसका ये फ़ायदा है कि ये मसाले बहुत जल्दी जज़ब करती है और एक अच्छा टेस्ट देती है। कांटे कम होने की वजह से खाने में बहुत आसान है। फिर जिस तरह बाकी मछलियों के अंदर आपको बहुत से विटामिन्स मिलते हैं, जैसा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, विटामिन ई है, विटामिन बी है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको तिलापिया के अंदर मिलती हैं। और तिलापिया के हवाले से जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके अंदर हमें ये बात मिलती है कि तिलापिया जो है ये आपके स्किन, हेयर्स और नेल्स के लिए भी बहुत अच्छी है। बल्कि अभी रिसेंटली जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके अंदर तिलापिया को स्किन ग्राफ्टिंग के अंदर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी जो स्किन है उसको ह्यूमन स्किन के ऊपर ग्राफ्ट करके भी इस्तेमाल किया जाता है, जो जले हुए मरीज़ होते हैं उनके लिए। फिर आपकी सेहत के लिए अगर हम देखें तो इसमें आपके दिल के लिए ये जो ओमेगा 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर जो आजकल ऑस्टियोपोरोसिस है, रूमेटाइड है, उनके अंदर भी तिलापिया का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, तिलापिया के इस्तेमाल का। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो डॉक्टर्स की तरफ से ये रिकमेंडेड है कि आप 100 ग्राम मछली रोज़ाना इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम सिर्फ सर्दी के मौसम में मछली को इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी जो सीज़न है उसके अंदर मछली को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं या इस्तेमाल करना अच्छा नहीं समझते हैं कि शायद जैसे उसका कोई नुकसान होगा। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि पूरी दुनिया जो है उसके अंदर मछली को पूरे तमाम सीजन्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और उसकी जो कुदरती गजाइत है, प्रोटीन्स हैं और विटामिन्स हैं, उसका फ़ायदा उठाया जाता है। इसी तरह तिलापिया आपके जो रूमेटाइड के मरीज़ हैं, दर्दों के जो मरीज़ हैं, उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होती है। फिर एक और जो तिलापिया का आजकल लेटेस्ट रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा गिना जाता है वो एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स हैं। लोग कितनी महंगी महंगी क्रीमें इस्तेमाल करते हैं एंटी एजिंग जो इफ़ेक्ट्स हैं आपके चेहरे पे रिंकल्स वगैरह हैं उनको दूर करने के लिए, तो उसकी बजाय अगर आप अपनी खुराक को और फूड को अच्छा करें और ये तिलापिया जो फ़िश है इसका रेगुलर अगर आप यूज़ करें तो आपके एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स भी, ये एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स के तौर पर काम करेगी, आपकी जो एजिंग के असरात हैं उनको बहुत ये कम कर देगी। तो ऑल इन ऑल ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज है
तलापिया। इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, वहाँ इसको फार्म भी किया जाता है और इस्तेमाल भी किया जाता है। अमेरिका के अंदर ये सेकंड लार्जेस्ट फिश है जिसको यूज़ किया जाता है और इंपोर्ट किया जाता है चाइना से। तो इसी वजह से ये दुनिया के अंदर एक बहुत ही फ़ायदेमंद मछली के तौर पे इसको देखा जाता है। फिर इसको, इसके फिले बनाना बहुत आसान है, इसको पकाना भी आसान है, क्योंकि कांटे न होने की वजह से आपके जो फिले हैं इसके वो बहुत अच्छे बनते हैं। फिर हमारे यहाँ होटल्स के अंदर और शादी ब्याह के अंदर भी इसका इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है, क्योंकि कांटे इसमें नहीं होते हैं ख़ास। तो ये सारे फवायद तलापिया के ऐसे हैं जो कि इसको एक कामयाब मछली बनाते हैं सब के लिए, फार्मर्स के लिए भी, रिटेलर्स के लिए भी और यूज़र्स के लिए भी। तो मैं ये इस चीज़ को प्रमोट करना चाहूँगा कि हम भी पाकिस्तान में एक तो इसकी फार्मिंग की तरफ आएँ और अपना जो फूड है और जो उसका लेवल है उस सेहत के हवाले से, उसको बढ़ाने में इस तलापिया का किरदार बड़ा अहम है। तो पाकिस्तान में हमें इसे प्रमोट करने की ज़रूरत है ताकि लोग हेल्दी फूड इस्तेमाल करें और एक हेल्दी नेशन के तौर पे हम सामने आएँ। बहुत शुक्रिया। मज़ीद तफसीलात के लिए नंबर्स पर रابطہ करें और तमाम दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी करें ताकि इसके फ़वाद सब तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया।